खुराना साहब, हाँ जी, मेरे परम सम्मानित बुजुर्गो, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के नमामि नमस्कार है राम राम साहब। आपके समक्ष बहुत ही अच्छे अच्छे गायक कलाकार आए हैं, मैं तो उनके चरणों के रज के बराबर भी नहीं। किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और लिखा कैसे, सोच की बता साथ ले करके आया क्या, और खाली दोनों हाथ जिनमें कुछ भी न लाए, और मार की दहाड़ी अब काहे गुरोय रयो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है। के कितनी हूं जमीन इन हाथन से ना पिले, और तीन गज जमीन यम सब जगी समायो है, और कहीं कभी लखन कर प्रभु को भजन, सो भव से बेड़ा पारिया ने बहुत तन को लगायो है। समय बहुत कम है, चलते सीधा प्रसंग की तरफ। एक समय भीमसेन अपनी गदा को लेकर के रण की तरफ जा रहे हैं, सामने से पांचाली द्रौपदी मिल जाती है, कहने लगी पतिदेव आपने जो वादा किया था कि दुशासन के लहू से मेरे केसों को धुलवाएंगे, कहेंगे वो तुम्हारा वादा। आज भीमसेन कहने लगे ए पांचाली के भीमसेन मोते कहीं पांचाली, भीम सेन मोते कहीं पांचाली, तू क्या बखान करावेगी, और आज समर में दुशासन को याद छठी की आवेगी, कि जैसे कर्म करे पापी ने, जैसे कर्म करे पापी ने, उन्हें सब कई भोग भरेगो और कुत्ता की मौत मरेगो। ये तो वादा है, लेकिन इरादा सुन क्या है। भीमसेन कहने लगे कैसे, और पड़ा पंड को और अंश की छत्री और पंछ पर नए टूटे, और आज समर में, और आज समर में तू शासन की जवाब जैसा नीर नहीं, और देख
बहुत दिए, देश बहुत देखे होंगे पर भारत जैसा देश नहीं। देश बहुत देखे होंगे पर भारत जैसा देश। हाजी आज भीमसेन कहने लगे, ए पांचाली तू क्या बातें करती है, मुझे दिन वो भी याद है कौन सा कि जादरे द्रौपद करी तू नंगी, कि जादरे द्रौपद करी तू नंगी और याद आज तक आती है। पापी के खून महापापी को ठंडी होएगी चाहती है कि बस गई बात नार के मन में, न भीम को बचन टरेगो और आज कुत्ता की मौत मरेगो। भीमसेन कहने लगे और कैसे कह रहे हैं, और कैसा बलि देख पाए लूंगो और द्रौपदी बासे दोए दोए हाथ कर लूंगो। और कहा बस दारू कर रही है और क्या काम कर रही है, सोजी और सुनो महाराज, और तो कर रही जानन को आर तो कर रही जानन को, आर तो कर रही जानन को, आर तो कर रही जान समझ नहीं आयो कन्हैया, तेरो भेद समझ नहीं आयो, भेद समझ नहीं आयो कन्हैया, तेरो भेद समझ नहीं आयो। राम 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 राम।